कृतिदेव हिंदी टाइपिंग में आज हम बात करेंगे अपर रो की। अपर रो के लिए फिंगर्स की क्या मूवमेंट होनी चाहिए और इससे बनने वाले शब्दों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी टाइपिंग का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो 30 दिन के अंदर हिंदी की टाइपिंग आसानी से सीख जाएंगे। जैसे मैंने इसमें बताया था कि डे वन में होम रो की तैयारी करनी है, डे टू में अपर रो की तैयारी, फिर डे थ्री में लोअर रो की तैयारी, फिर डे फोर में होम रो की प्रैक्टिस शिफ्ट की के साथ में, और इसी तरह से आगे डे नाइन में ऑल्ट कोड्स की तैयारी, और फिर 11वें दिन निबंध की तैयारी, और फिर इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे आज हमारा डे टू है, तो डे टू में आज हम अपर रो की तैयारी, उससे बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने फिंगर्स को होम पोजीशन पर रख लिया है, राइट हैंड साइड में सबसे छोटी फिंगर को इन्वर्टेड कॉमा, फिर सेमी कॉलन, फिर एल और फिर के, और इधर सबसे छोटी फिंगर एस पर, फिर डी पर, फिर एफ पर और जी पर। तो फिंगर्स की मूवमेंट यहाँ क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी फिंगर से हम क्यू प्रेस करेंगे और डब्ल्यू प्रेस करेंगे, उसके बाद जो रिंग फिंगर है आपकी डी पर जो रहती है उससे हम ई प्रेस करेंगे, उसके बाद जो मिडिल फिंगर है उससे हम आर प्रेस करेंगे, और जो इंडेक्स फिंगर है उससे भी दो की प्रेस होंगी, जो कि है टी और वाई। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में सबसे छोटी फिंगर से आपका ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन, ये दो की प्रेस होंगी, इसके बाद रिंग फिंगर से आपका पी की प्रेस होगी, और मिडिल फिंगर से ओ, इंडेक्स फिंगर जो कि के पर रहती है उससे आई और यू को हम प्रेस करेंगे। तो इससे टाइप क्या होता है, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ हमने क्यू प्रेस किया तो छोटे ओ की मात्रा, फिर डब्ल्यू प्रेस किया तो बड़े ओ की मात्रा, फिर ये रिंग फिंगर से जब ई प्रेस करेंगे तो मा, फिर आर प्रेस करेंगे तो ता, फिर टी प्रेस करेंगे जा, और फिर वाई प्रेस करेंगे तो ला। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट ओपन आधा खा, फिर जा वा पा और ना, इस तरह से आपकी अपर रो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें टाइप होके क्या क्या आ रहा है इस पर आपको ध्यान देना है, और फिर इसकी धीरे धीरे टाइपिंग करनी है। जैसे यहाँ से फिर से देखेंगे फिंगर्स की मूवमेंट, आप देखें क्यू डब्ल्यू, ये इसी को ऊपर ऊपर मात्रा बन के आएगी, आपको इसमें स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको बस शो करने के लिए स्पेस दिया था, आपको स्पेस बार देने की ज़रूरत नहीं है। फिर ई, फिर आर, फिर टी और फिर वाई, बहुत ही आराम से फिर स्पेस दे करके फिर आएंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन पी वा पा और ना, अब इसकी प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप इसकी कम से कम 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस इसी चीज़ की करेंगे, तो जब आपके हाथ पर ये सेट हो जाए कि कौन सी की कहाँ पर जाएगी, कौन सी उंग फिंगर से कौन सी की को प्रेस करना है, और कौन सी की पर कौन सा लेटर है, कौन सा अक्षर है, तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा 10 से 15 मिनट तक जब आप करेंगे। अब इसके बाद आपको तैयारी करनी होगी इससे बनने वाले शब्दों की। तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पैटर्न में भी अपनी जो फाइल बनाई है, डिस्क्रिप्शन में जो फाइल दी है उसमें भी मैंने लिख रखा है कि जो डे टू की तैयारी है उससे बनने वाले शब्द कौन कौन से, जैसे नल है, कल है, चल, खाना, सोना, चाचा, चाची, और तीन अक्षरों वाले में सावन, सूरज, नाभिक, तुलना, नुपुर, लालची, पिरोना। तो इसमें एक चीज़ और है कि जब भी आप नेक्स्ट डे की तैयारी करें उससे पहले आपने जो पहले सीखा है उसका रिवीजन जरूर कर लें। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डे वन के लिए होम रो की तैयारी करवाई थी, तो जैसे आज हम कुछ शब्दों को टाइप करेंगे तो उसमें होम रो का भी यूज़ होगा। जैसे हमारा पहला शब्द है नल, तो नल के लिए हमने देखा था कि इंडेक्स फिंगर जो के पर रहती है उससे जब हम यू प्रेस करते हैं तो ना टाइप हो जाता है, और ला के लिए हमने देखा था कि जो फिंगर जी पर रहती है, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की, इससे हम वाई प्रेस करते हैं तो ला टाइप हो जाता है। तो इस तरह से आपका नल टाइप हो जाएगा, ना ल ना ल ना ल, आपको धीरे धीरे इस तरह से टाइपिंग करनी है। जैसे अगला शब्द है कल, तो काक हमने देखा था कि होम रो में, पिछले लास्ट वीडियो हमने देखा था कि होम रो में डी को जब प्रेस करते हैं रिंग फिंगर से तो का टाइप होता है, और ला के लिए आज हमने देखा है इंडेक्स फिंगर से जब वाई प्रेस करते हैं तो ला टाइप होता है, का ल का ल का ल का ल। इस तरह से आप छोटे छोटे शब्दों को टाइप करेंगे। इसके बाद एक शब्द है जैसे इसमें खाना, तो खाना के लिए हमने देखा था आज ही कि अपर रो में जब इस लिटिल फिंगर से ब्रैकेट ओपन वाली की प्रेस करते हैं तो आधा खा टाइप होके आता है, इस आधे खा में पूरा करने के लिए हम आ की मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा लगती है के की को प्रेस करके, और फिर आ की मात्रा फिर से लगाएंगे खा, फिर ना के लिए यू प्रेस करेंगे और आ की मात्रा, इस तरह से खाना आपका टाइप हो जाएगा। खाना खाना शब्द को कम से कम 10 से 15 बार टाइप करना है, हर एक शब्द को कम से कम 10 से 15 बार आपको टाइप करना है। उसके बाद जैसे इसी में एक अगला शब्द है सोना, तो सोना के लिए भी सा के लिए उम्रों में देखा था हमने एल की को प्रेस करेंगे, सा आ की मात्रा ओ, फिर ना आ की मात्रा सा ओ ना सा ओ ना।
जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जब भी आप टाइपिंग करें तो हमेशा मुंह से बोले जरूर उस चीज़ को, जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसको मुंह से बोल करके जरूर टाइप करें। इससे ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है वो चीज़, और जब भी अगली बार वो शब्द आपके सामने आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी फिंगर उसी की पर जाएगी जो उस शब्द के लिए बनी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप टाइप कर रहे हैं, जैसे कि अगला शब्द इसी में तीन अक्षर का एक शब्द तिजोरी, तो छोटी ए की मात्रा लगाई, ता ता हमने देखा था कि अपर रो में मिडिल फिंगर से आर टाइप करने पर ता आता है। फिर जा के लिए हमने देखा था कि इंडेक्स फिंगर से जब हम टी टाइप करते हैं तो जा आता है। अब इसमें हम ओ की मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा लगाई, फिर ए की मात्रा लगाई, तो ओ की मात्रा बन जाती है। हिंदी टाइपिंग में कभी भी ओ की मात्रा डायरेक्ट नहीं बनती है, ओ की या औ की मात्रा डायरेक्ट नहीं बनती है। इससे हमेशा आपको पहले आ की मात्रा लगानी होगी, पहले इस तरह से आ की मात्रा लगानी होगी और फिर इसके बाद ए की मात्रा लगानी होगी, तो ये आपकी ओ की मात्रा बन जाएगी। फिर रा के लिए जब इंडेक्स फिंगर को कैसे उठाकर जे पर रखेंगे और फिर इसमें ई की मात्रा लगाएंगे, जी से उठाकर एच पर रखेंगे इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट हैंड साइड की। इस तरह से आपका होम रो की प्रैक्टिस और अपर रो की प्रैक्टिस एक साथ इन शब्दों से होती जाएगी। तिजोरी के बाद जैसे एक अगला शब्द है इसमें निशाना, तो आपको बोल के करना होगा छोटी ई की मात्रा, फिर ना ई शा आ ना आ, नी शा आ ना आ, नी शा आ ना आ, इस तरह से आप टाइप करेंगे। इसी में एक अगला शब्द है चंचल, तो चार टाइप किया। जैसे चार के लिए हमने देखा था आज कि रिंग फिंगर से जब पी की को प्रेस करते हैं तो चार आता है। अब अंक की बिंदी यहाँ से लगाते हैं, जो सबसे छोटी फिंगर होती है लेफ्ट हैंड साइड की, उससे जब एस से उठाकर ए पर रखेंगे तो अंक की बिंदी आती है। फिर इसके बाद चार फिर से टाइप करेंगे और फिर ला, च न ग, च न च ल, च न च ल, च न च ल, च न च ल। आपको बहुत ही आराम आराम से टाइप करना है, कोशिश इस तरह से करनी है कि गलती ना हो, बैक स्पेस का यूज़ ना करना पड़े। और स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करते हुए कभी भी बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है। अगर कहीं पे गलती हो भी जाती है, जैसे एक शब्द लिखते हुए, जैसे एक शब्द है रमेश, तो रमेश शब्द लिखते हुए आपसे इस तरह से कुछ लिख गया, रतेश लिख गया, तो आपको क्या करना है कि इसको डिलीट नहीं करना है, आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, आपको बस स्पेस देना है और स्पेस देके आगे बढ़ना है। आगे आप सही से टाइप करने की कोशिश करें। आपने जैसे देखा था कि माँ गलत टाइप हुआ था, तो माँ के लिए हमने देखा है कि जो रिंग फिंगर है उससे ई की को प्रेस करने पे माँ आता है, फिर ए की मात्रा लगाएंगे एस प्रेस करके और शाह लगाएंगे बनाएंगे, इस तरह से आप शाह बनाएंगे। तो बैक स्पेस का यूज़ बिना किए स्टार्टिंग में कभी भी बैक स्पेस यूज़ करने की आदत नहीं बनानी है, आपको अवॉइड करना है बैक स्पेस को। गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, स्पेस देके आगे बढ़ें और उस शब्द को सही से टाइप करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक आपको बहुत सारे शब्द मैंने दे रखे हैं स्क्रीन पे, आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करें और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो फाइल दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप आगे की भी प्रैक्टिस या प्रीवियस वीडियो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके बाद लोअर रो की तैयारी कैसे करनी है और उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ तीनों रो की तैयारी कैसे करनी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।